इस रामनवमी और यह जो समय है, इस समय सभी लोग बस एक ही चीज को लेकर के मांग कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं जी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी आज है रामनवमी, तो रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ जो है जी अपना अनार छील रही है, तो कुछ अनार जो है हमारे लिए भी छोड़ देना क्योंकि अनार हमें काफी अच्छा लगता है। अनार का कोई भी फल हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी फल अच्छा नहीं लगता है। भगवान से दुआ करते हैं कि आपका बच्चा भी ऐसा ही हो कि उसको सब कुछ अच्छा लगे, जैसे आपको सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ खराब नहीं लगता है। नहीं, मेरा जो है सब्जी में लेकर के कुछ कुछ है पसंद, कुछ कुछ जैसे कि झींगा नहीं पसंद है, बैंगन पसंद नहीं है, बैगन पसंद है, और क्या कदीमा पसंद नहीं है। हाँ, कदीमा पसंद है, और सब चीज तो पसंद नहीं है आपको, मतलब एक दो छोड़ के सब चीज पसंद है। फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको ये चीज पसंद नहीं है, वो नहीं है, उतनी नौटंकी नहीं है आपके। तो माँ का तो स्नान हो गया जी, माँ आ गई है अपना पूजा करने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं अखंड ज्योति चल रहा था। रात में हमारा ये जिम्मा था कि यह जो है ज्योत जलता रहे, तो जिया रात में उठ करके शायद एक ही बार उठना पड़ा, दो बार उठना पड़ा, तो तेल डालती रही और यहाँ अभी तक जल रहा है। उसे तो आप लोग शुरू से है मेरे बारे में जानते हैं कि मैं अध्यात्म के लिए समर्पित हूँ, और मैं तो नहीं जानती हूँ ईश्वर क्या सोचते हैं। मैं अपना कर्तव्य करती हूँ और अखंड ज्योति जलाने का मेरा यही कामना है ईश्वर से, कि संसार के जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं सबका कल्याण हो, सबके लिए उनके चरण में दुआ मांगते, सबके लिए कल्याण मांगते हैं, दया मांगते हैं, और साथ ही हम भगवान के चरण अदालत में अपील करते हैं कि राक्षस पापी भ्रष्ट अन्यायी दुराचारी दुर्योधन का अंत संसार से हो, ताकि सज्जन जी और सबके बाल बच्चा का कल्याण हो, उसके साथ भगवान हमको भी रखे। अब हम भी चलते हैं जी नहाने के लिए, माँ को जाना है मंदिर, तो माँ के साथ साथ हम भी चल लेंगे, पूजा कर लेंगे आगे जी नहा करके। और जब नहा करके आए तो जिया जो है काम पर लगा दी, देख सकते हैं कितना सारा सामान बिखरा हुआ है, दीवान के अंदर सामान था। तो हम पहले जो घुसने का कोशिश किए, लेकिन जो अभी शरीर का कंडीशन है घुस नहीं सके, तो अब यह जो मच्छरदानी के डंडा से निकल गया है। ठीक है, चलो। A few moments later. हो गई पूजा, अब जो अपना प्रसाद है वो लेकर के सीधा चलते हैं घर। ऐसा होता है क्या? रख लिए ना, हम देते रहते हैं। लीजिए, ये आपका है, ले लो ले लो। राहुल जानता है कि दीदी जी उठ गए सो करके, जिया तो सो भी नहीं पाई, जिया को जो है नींद आने रही है, पैर इसका बहुत तेज दर्द कर रहा है, और जो है मूवमेंट जो है अभी कुछ देर से नहीं हो रहा था ना, आधा घंटा से, लेकिन अब जो है फिर से कुराफात चालू हो गया है। तो जैसे ही इसका कुराफात बंद हो जाता है हम लोग परेशान हो जाते हैं, और जब कुराफात बंद होता है 5 से 10 मिनट हमको लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, फिर अभी उठ के जैसे आए आपके पास बोलने के लिए आ रहे थे कि मूवमेंट हमको थोड़ा सा कम लगा था, तब फिर स्टार्ट हो गया। बोले चलो ना तरबूज खाएंगे मीठा मीठा, तो फिर बिल्कुल जी। तो यहाँ तरबूज लेकर के आए हुए हैं, तो हम इसको काट रहे हैं, तो इसको काट करके जल्दी से जिया को देते हैं और नीचे भी देते हैं, फिर जो बचेगा हम खा लेंगे। सबसे पहले अपने खाने के लिए कर रहे हैं, बाद में दूसरे के खाने के लिए। चलिए जी नीचे तो सभी को देख करके आए, अब बारी आई हमारी खाने की, तो जल्दी से बैठते हैं खाते हैं और उसको हजम कर दें। 3 hours later. जी हाँ, भूख लगी है, कुछ नाश्ता लगाओ। क्या लगा है बताइए? नाश्ते में तो मखाना चाहिए। तो खाना तो खत्म हो गया। मखाना खत्म? अरे उस दिन नहीं लाए थे क्या हम लोग? कहाँ लाए थे, झोला पूरा भर गया था, तो कैसे लेके आते? तो जाते हैं जी मखाना लेकर के आते हैं, मखाना खाने का बहुत ज्यादा मन है हमें जी। वो मखाना जिसको घी में फ्राई कर दिया जाता है, थोड़ा सा नमक जो है उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है, बहुत ही मजा आता है। आप तुम ही बनाई है, वही देखिए वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेसिपी बता रहे हैं, थोड़ा सा घी में भून दिया जाता है। रेसिपी इसलिए बता रही है कि बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी एक बार ट्राई करके देखेंगे उनको कैसा लगता है। और ये हमारी नानी माँ है पीछे, तो नानी चल रहे हैं मखाना खरीदने। पीछे
कैमरा वाटर प्रूफ भी है, गिरेगा डुबकी उबकी मार सकते हैं इससे। मखाना होगा अंदर दीजिएगा, और एक ग्लूकोज का भी डब्बा दीजिएगा जो प्लेन वाला आता है सादा वाला। हाँ एक किलो दे दीजिए। कैसे है ये? 140। फ्री है क्या? फ्री है ग्लूकोज। अच्छा ऐसा करिएगा दो पन्नी कर दीजिएगा। 5 किलो का पन्नी है, 2 किलो वही है, हैंडल पर टंगेगा ना तो चल जाएगा। चलिए जी यहाँ तो सारा सामान ले लिया, अब कुछ और सामान लेना है तो सोच रहे हैं फल उठा ले, स्पेशली अनार। अनार खत्म हो चुका है तो अनार जा करके खरीदते हैं। आगे में लग रहा है रामनवमी की जुलूस निकल रही है, जय श्री राम का पताका लहर रहा है। अनार कैसे है? अनार 120 रुपए लगा दीजिए 200 में 2 किलो। तरबूज? तरबूज 30। तो लगभग सारा सामान ले लिया जी, कुछ सामान और लेना था लेकिन जगह है नहीं। हमारा जो बाइक का डिग्गी है वह भी भर चुका है, और जो हमारा दोनों हैंडल है उस पर भी कुछ ना कुछ टंगा हुआ है। कुछ अगर हम एक्स्ट्रा लिए फल सब तो अब इसको रखने का जगह है नहीं। अपना बैग और अपना झोला जो है घर में ही भूल गए, बड़ी गलती की हमने। कोई बात नहीं चलते हैं घर, कल सुबह सुबह फल उठा करके ले आएंगे। उस पार में लगता है म्युनिसिपल मार्केट, कल वहीं सीधा चले जाएंगे, वहां थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है रेट। ये लो सारा सामान, कहाँ रख दे? नारियल है, मखाना है, तरबूज पे। तो फाइनली जी आ गए मार्केट से, लेते हैं अपना मन पसंदीदा मखाना जो जिया यहाँ पर बना रही है, तो जल्दी से बनाया जाए, इतनी तेज भूख लगी है कि पूछो मत। इसमें डैडी को भी देंगे, डैडी को भी देंगे, ऊपर तो नाश्ता कर रहे हैं डैडी। आप अच्छा खाइएगा, सब मुड़ी खाएगा। ठीक है थोड़ा सा इसमें और डाल दो। हम मना थोड़ी किए डैडी सबको देने के लिए, लेकिन हमको लगा नाश्ता दे दी तो फिर क्या जरूरत है। नहीं उनको भी अच्छा लगता है, हम बनाएंगे सिर्फ आपके लिए, सबके लिए बनाएंगे। सबके लिए बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन इस समय सिर्फ हमको अपने लिए नजर आ रहा है। तो जी हमने मखाना ये फ्राई कर लिया और डैडी को भी ऊपर भेज दिए, और माँ नहीं खा सकती है क्योंकि इसमें घी मिला हुआ है, तब इनको भी चलते हैं देने के लिए। ये यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और अपना गीत भी गा रहे हैं। आज पकड़े गए, वैसे ये पकड़े नहीं जाते। कैसा लगा? गया ये हमको मजा आता है इसलिए तो खरीद करके लाए, और दीदी के पास लेकर के गए। दीदी से पूछे खाएगी दीदी? कहते नहीं 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 खाएंगे हम, क्यों? घी तो फैले दिए। हमारा यह मिठाई आ गया है, इस मिठाई को जो है हम छोड़ दिए थे अपनी बुआ की यहाँ, तो हमारे जीजा जी वहाँ से आ रहे थे तो बुआ जी उनके साथ भेज दी। जैसा तो होशियार है उससे बेसी होशियार तुम्हारा जीजा जी है। अच्छा लेकिन यहाँ तक मिठाई पहुँचा दिए, तुम्हारे जीजा जी को धन्यवाद है। उस दिन तुम आया जनेऊ घर से तो मुझे लगा था कि तुम कोई न कोई सामान छोड़ के आए, आने के बाद लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जहाँ कहीं भी जाएगा एक सामान छोड़ देगा। यहाँ आने के बाद हमको वह बात जो है वो सत्य लगा, और साबित भी हुआ सत्य कि तुम मिठाई छोड़ के। माँ की बात को कैसे झूठा साबित कर सकते हैं, तो माँ की बात रखने के लिए ऐसा कर देते हैं कभी कभी। फुआ इतना शौक से मिठाई दी संदेश में, वो दूसरी फुआ के यहाँ छोड़ाया। तो हम फुआ से जब बात कर रहे थे कहे कि फुआ ये छूट गया है, कहती है जो रे सुनो। फैनली जी माँ का अष्टमी का जो व्रत है आज वह खत्म हुआ, उसके अलावा जो आज रामनवमी था तो रामनवमी भी हमने अपने मोहल्ले में अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। और इस रामनवमी और यह जो समय है इस समय सभी लोग बस एक ही चीज को लेकर के मांग कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं जी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक तो सब समय जी अच्छे से निकल गया, और उम्मीद करते हैं जी आगे का समय भी जो है बिना किसी कष्ट के निकल जाए और भगवान जो उसका पार लगा दे। तो कुछ बोलना चाहेगी? चैत का जो महीना होता है इसमें दुर्गा अष्टमी, रामनवमी, छठ, चैती छठ सब पर्व साथ ही मनाया जाता है, और हम लोग उससे जुड़े हुए हैं तो शुरू से ही भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो और कल मैं अष्टमी का व्रत करके अखंड ज्योत जलाई और आज रामनवमी की पूजा की, वो भी बहुत अच्छे से भगवान की कृपा से सम्पन्न हो गया। और मैं संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए दुआ और दया मांगी भगवान से, साथ ही अपने परिवार के लिए, और मेरे घर में जो आने वाला शिशु है उसको भगवान से आशीर्वाद मांगे। अभी तो आशीर्वाद यही मांगूंगी कि वह इस धरती पर अच्छे से आ जाए और हम लोग को हर संकट से बचाए। वैसे कई लोगों का मैं कमेंट भी देखता हूं, तो कमेंट को पढ़ करके पता चला कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं वो भी इस प्रेगनेंसी की अवस्था से गुजर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आपका भी समय अच्छे से कट जाए और आपके भी घर में जो भी आए स्वस्थ आए मस्त आए। देखिए प्रेगनेंसी की अवस्था होती है कोई नई बात नहीं, क्योंकि संसार की ऐसी एक ही आज कोई महिला है जिसको भगवान ये मौका नहीं देते हैं।
नहीं तो हर औरत माँ बनती है, नहीं तो सृष्टि चलेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको नसीब हो और सबका वंश चले और साथ ही मेरे परिवार पर भी भगवान ध्यान रखे। ठीक है जी, आप ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे। और आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी नैन्सी और बहू दोनों इसी अवस्था से गुजर है, आप लोग सब मिल करके भगवान से दुआ। बिल्कुल जी, आप में से कई लोग नैन्सी दीदी के बारे में भी पूछ रहे होते हैं तो हमने तो रिप्लाई किया है कमेंट का। इन कुछ कुछ कमेंट जिनका भी रिप्लाई नहीं कर पाए हो और उन्होंने अगर वहाँ रिप्लाई नहीं देखा हो तो उनको बता दे जी, नैन्सी दीदी की भी हालत अभी सही है। उम्मीद करते हैं उनका भी जो है समय है अच्छे से निकल जाए, और उनका जो डिलीवरी डेट है वह जिया के साथ ही है। क्या बोल रहे, गिनते गिनते मेरा पार हो जाएगा। आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग साथ रहा, ऊपर वाले की कृपा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।